हेलो गाइस, वेलकम बैक डेक्स अब्बानी यूट्यूब चैनल। गाइस, इस वीडियो में जो मैं बात करूंगा वाइग्रा टैबलेट जो होती है फाइजर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, उसको कैसे इस्तेमाल में लाया जाता है, वो फिजिकल होने से यानी अपने पार्टनर के पास जाने से पहले उसको कैसे लिया जाता है, कितनी डोज मिले तो वो अच्छा काम करेगी और जो पार्टनर होगा वो अच्छी परफॉर्मेंस देगा। गाइस, मैं वाइग्रा टैबलेट के बारे में पूरा डिटेल में बताऊंगा, अगर लड़की खा ले, अगर औरत खा लेगी तो उसमें काम करेगी या नहीं, अगर खाएगा तो उसको कितनी देर तक काम करेगी और कितने टाइम के बाद काम करना स्टार्ट कर देगी, इसको लेना चाहिए या नहीं, पूरा मैं डिटेल में बताऊंगा। गाइस, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, लास्ट तक देखेंगे तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। चलिए गाइस, बिना देरी के शुरू करते हैं वीडियो। गाइस, आज जो मैं बात कर रहा हूँ वाइग्रा टैबलेट के बारे में बात कर रहा हूँ, इसको कैसे इस्तेमाल करना होता है, कितनी डोज में लेना होता है और कैसे ये काम करती है, ये पूरा जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मैंने केडी थर्ड पार्टी से रेफरेंस देके मैं बता रहा हूँ। केडी थर्ड पार्टी एक बुक आती है, आप देख रहे होंगे, जिसको एमबीबीएस डॉक्टर जो होते हैं वो भी इसको पढ़ते हैं, यानी हर कोई इसको पढ़ता है, मेडिसिन की सारी नॉलेज इसमें होती है। जो वायग्रा टैबलेट होती है इसको फाइजर कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, 50 mg में और 100 mg में आती है। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल होता है वो सिलिंडानाफिल सिट्रेट होता है, और ये सिलिंडानाफिल सिट्रेट जो होता है फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर कैटेगरी का होता है, यानी PDE5 इनहिबिटर भी बोलते हैं इसको। अगर इसके आप जनरल यूजेस की बात करें तो किस चीज़ में इस्तेमाल में लाया जाता है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन इन मेन, इस बात को ध्यान से सुनिएगा, इरेक्टाइल डिसफंक्शन ना मर्दानगी जो होती है मेन के अंदर, आदमियों के अंदर, तब इसको इस्तेमाल में लाया जाता है। तो ये इसके कुछ जनरल यूजेस होते हैं। अगर इसको आप फीमेल में देंगे तो फीमेल में ये काम नहीं करेगी, क्योंकि ये क्या करता है, वायग्रा टैबलेट जो होती है सिलिंडानाफिल सिट्रेट जो होता है फॉस्फोडाइस्टेरेज इनहिबिटर होता है, यानी इस एंजाइम को इनहिबिट कर देगा। इसकी वजह से क्या होगा, पेनाइल एरिया में यानी पेनिस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, ये जनरली काम करती है, वैसे ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देती है पेनाइल एरिया में, जिससे कि तनाव बढ़ जाता है, टाइमिंग जो बढ़ जाती है। इसको लेने से पहले साइड इफ़ेक्ट ज़रूर जान लें, क्योंकि साइड इफ़ेक्ट भी इसके बहुत ज़्यादा आते हैं, और किन व्यक्ति को नहीं लेना होता है वो भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि आजकल लोग इस टैबलेट को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं और आगे चल के बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही हैं। साइड इफ़ेक्ट की अगर हम बात करें तो साइड इफ़ेक्ट में जैसे स्टफी नोज हो सकता है, नाक में ब्लॉकेज हो सकता है या नाक जुकाम जैसा लग सकता है, विज़न पे प्रॉब्लम हो सकती है, आँखों में दिक्कत हो सकती है, धुंधला वगैरह दिख सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है, पेट में कॉन्स्टिपेशन ऐठन वगैरह हो सकती है, ड्राई माउथ हो सकता है, मुंह सूखा सूखा हो सकता है, हार्ट रेट बढ़ सकती है इस टैबलेट के लेने की वजह से, थका थका भी लग सकता है और मसल्स पेन भी हो सकता है, जो मसल्स होती है हमारी बॉडी में उनमें भी दर्द हो सकता है। अगर इसे कॉन्ट्राइंडिकेशन की बात करें, कब कब इसको नहीं देना होता है, तो मैं आपको एक बात और एडवांस में बताता चलूं, क्योंकि ये टैबलेट जो होती है वायग्रा टैबलेट जो होती है 45 के अब वो भी ज़्यादा इस्तेमाल में लाई जाती है। 45 ईयर से पहले जो भी व्यक्ति होता है वो नॉर्मल होता है। अगर किसी में कोई दिक्कत होती है डॉक्टर जब भी प्रिस्क्राइब करता है उसको, ऐसे किसी को भी नॉर्मली अगर किसी के पास जा रहे हैं या अपने पार्टनर के पास जा रहे हैं नॉर्मली इसको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप नॉर्मली इसको लेंगे तो उसका साइड इफ़ेक्ट आते हैं। इसको जब आप 45 को ऊपर चले जाते हैं तब उसके बाद इस्तेमाल में करना चाहिए, वो भी जब ज़रूरत हो। अब कॉन्ट्राइंडिकेशन उसको बोलते हैं जैसे कि अगर ये कंडीशन है, ये इस तरह के पेशेंट हो उनको बिल्कुल मत देना, उनको अगर देंगे तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे प्रेगनेंसी में इसको नहीं दिया जाता है, फुल्ली अवॉइड किया जाता है, ब्रेस्ट फीडिंग मदर में भी अवॉइड किया जाता है, अल्कोहल अगर शराब वगैरह पी सकती है तो उसमें भी इसको नहीं दिया जाता है, हार्ट डिजीज़ है तब भी इसको नहीं दिया जाता है, जिसका बीपी लो रहता है, बीपी कम रहता है तो उसको भी नहीं दिया जाता है, क्योंकि अगर बीपी कम होगा तो इस टैबलेट के लेने की वजह से और ज़्यादा कम हो जाएगा। बस मैंने बताया वायग्रा टैबलेट के बारे में, हो सब गाइस आपको पूरा समझ में आ गया हो, समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो के साथ मिलते हैं हम अगली वीडियो में।